सारे बच्चों, इस वीडियो में हम इंग्लिश लेक्चर 47 पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हम आएंगे पहचान आइडेंटिटी। इसमें हमारा मिल गया कि इसमें हिंदी वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके के साथ था, थी, थे आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य स्ट्रक्चर हमारा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा हेड होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा। ही सी इट सिंगुलर नाउन, आई वी यू दे या प्यूरल नाउन, सब के साथ हमारा हेड का प्रयोग किया जाएगा। जैसे है मैं लिख चुका था, तो मैं की मीनिंग लिखेंगे तो आई, सब के साथ हमारा हेड लगेगा। अब लिखना का थर्ड फॉर्म यानी राइट का रिटेन हो जाएगा, डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन, तो हमारा बन गया आई हैड रिटेन। मोहन खा चुका था तो बन जाएगा मोहन हैड, अब खाना का ई तो ईटेन, ई ए टी ई एन। नेक्स्ट है सॉरी फुल स्टॉप। नेक्स्ट है सीता और गीता ने इसे कर चुके थे, सीता और गीता इसे कर चुके थे, तो यहाँ पर आ जाएगा सीता एंड गीता, सीता एंड गीता हैड। उसके बाद हमारा कर चुके थे तो डन ईट, इसे की मीनिंग ईट हो गई, सॉरी फुल स्टॉप। नेक्स्ट है वे पढ़ चुके थे, तो हमारा बन जाएगा वे की मीनिंग दे, दे के साथ हमारा हैड लगेगा, और पढ़ना का रीड तो हो जाएगा रेड, लेकिन स्पेलिंग वही रहती है। मैं पत्र लिख चुका था तो आई, आई के साथ भी हमारा हेड होगा। अब रिटेन डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन, अ लेटर अ लेटर। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा वह मोहन को हिंदी पढ़ा चुका था, तो यहाँ पढ़ाने वाला कार्य वह कर रहा है, तो ही हैड टाट, पढ़ाना तो टीच का थर्ड फॉर्म टाट हो जाएगा, तो ही है टाट मोहन, तो बन जाएगा मोहन। अगला है हिंदी, तो हिंदी एच आई एन डी आई, या हम दूसरा लिख सकते थे कि ही है टाट हिंदी टू मोहन। आगे हम देखेंगे इसका होमवर्क। तो होमवर्क हमारा है कि मैं उसकी मदद कर चुका था, वह आम खा चुका था, वह बाजार जा चुका था, चोर दरवाजा तोड़ चुके थे, मैं वह फिल्म देख चुका था, बच्चे खा चुके थे, मेरी बहन बाजार से रसगुल्ले ला चुकी थी, मोहन विद्यालय जा चुका था, खिलाड़ी मैदान में जा चुके थे। नेक्स्ट आएंगे हमारा जब हिंदी वाक्य में पहले ही आया हो, तो इसके लिए हमारा ऑलरेडी का प्रयोग किया जाता है, और ये सब्जेक्ट के यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर ऑलरेडी, फिर वर्ब का थर्ड पार्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड होगा। तो वह पहले ही जा चुका था, तो वह की मीनिंग ही हो जाएगी, ही सबके साथ हैड लगेगा, तो ही हैड ऑलरेडी, तो बन गया ही हैड ऑलरेडी। अब उसके बाद जा चुका था यानी गोवेंट गान हो जाएगा, तो बना ही हैड ऑलरेडी गान, सॉरी फुल स्टॉप। अगला है तुम पहले ही खा चुके थे, तो ये बन जाएगा यू हैड ऑलरेडी, यू हैव ऑलरेडी हो गया, खा चुके थे ईटन। नेक्स्ट है हमारा मैं पहले ही पढ़ चुका था, तो इसका बन जाएगा आई हैड ऑलरेडी पढ़ चुका था, तो रेड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वे पहले ही मीरा को हिंदी पढ़ा चुके थे, तो दे हैड ऑलरेडी, दे हैड ऑलरेडी पढ़ा चुके थे, तो इसका मतलब हो गया टाट, दे हैड ऑलरेडी टाट। अब दो ऑब्जेक्ट आया है, एक मीरा है और दूसरा हिंदी। अगर हम मीरा को पहले लिखेंगे तो हमें डायरेक्ट लिख सकते हैं हिंदी, और यदि हम हिंदी को पहले लिखते हैं तो टू मीरा लिखेंगे, तो हमारा बन जाएगा दे हैड ऑलरेडी टाट मीरा हिंदी, अथवा दे हैड ऑलरेडी टाट हिंदी टू मीरा,
सॉरी HINDI। नेक्स्ट आएंगे अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक स्ट्रक्चर है इसमें हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैड नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हमारा अदर वर्ड। जैसे आया मैं अंग्रेजी नहीं लिख चुका था, तो मैं की मीनिंग आई, आई के साथ हैड, उसके बाद नॉट। अब लिखना का रिटेन हो जाएगा WRITEN, तो बना आई हैड नॉट रिटेन। आगे है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का बन जाएगा इंग्लिश। नेक्स्ट है हमारा कि तुम अंग्रेजी नहीं लिख चुके थे, तो बन जाएगा यू हैड नॉट रिटेन, यू हैड नॉट रिटेन इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा वह हिंदी नहीं लिख चुका था, तो वह की मीनिंग ही हो जाएगी ही हैड नॉट रिटेन हिंदी। नेक्स्ट है हमारा मोहन नहीं खा चुका था, तो बन जाएगा मोहन हैड नॉट खा चुका था ईटन। नेक्स्ट है हमारा सीता और गीता इसे नहीं कर चुकी थी, तो बन जाएगा सीता एंड गीता, सीता एंड गीता हैड नॉट डन इसे का इट आदेश। नेक्स्ट है वे नहीं पढ़ चुके थे, तो वे की मीनिंग दे हैड नॉट रेड, दे हैड नॉट रेड, वे नहीं पढ़ चुके थे, ये हो गया। अगला है मैं पत्र नहीं लिख चुका था, तो आई हैड नॉट रिटन, सॉरी WRITEN, तो आई हैड नॉट रिटन कह रहा है कि मैं पत्र नहीं लिख चुका था, तो अ लेटर, आई हैड नॉट रिटन अ लेटर। आगे हम देखेंगे इसका होमवर्क, मैं उसकी मदद नहीं कर चुका था, वह आम नहीं खा चुका था, वह बाजार नहीं जा चुका था, चोर दरवाजा नहीं तोड़ चुके थे, मैं वह फिल्म नहीं देख चुका था, बच्चे नहीं खा चुके थे, मेरी बहन बाजार से रसगुल्ले नहीं ला चुकी थी, मोहन विद्यालय नहीं जा चुका था, खिलाड़ी मैदान में नहीं जा चुके थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।